precaution. So okay, so यहाँ पर सबसे पहले XM कंट्रोल पैनल पे आपको कौन सी सर्विस चालू करनी है, इधर देख लो अक्षरा, पहले देख लो फिर बाद में आराम से करते रहना। शेल विंडो पर गए, सबसे पहला काम क्या है, कनेक्ट करना। तो शेल विंडो से आपको कनेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड बताई मैंने, MySQL डैश यू रूट डैश पी, है ना, यू फॉर यूजर पी फॉर पासवर्ड। तो किसी भी डेटाबेस पे कनेक्ट करने के लिए कंपलसरी दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए, क्या, यूजर नेम और पासवर्ड, है ना। सो यस, यहां पर हुआ एंड देन यहां पर मैं अपना डेटाबेस बनाता हूं। तो चलिए यहां से मैं अपना क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, सो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम COACHING कोचिंग अंडरस्कोर डीबी, सो कोचिंग अंडरस्कोर डीबी सेमीकॉलन। सो मेरा डेटाबेस का नाम क्या होगा, कोचिंग अंडरस्कोर डीबी। अब यहां पर मैं क्या करूं, शो डेटा बेसिस, तो देखते हैं क्या कोचिंग अंडरस्कोर डीबी नाम से डेटाबेस बना कि नहीं बना, बन गया है। चलिए अब मुझे क्या बनानी है, टेबल बनानी है। तो टेबल तब बनेगी जब आप डेटाबेस के अंदर जाओगे, अंदर जाने के लिए कमांड क्या है, यूज स्पेस डेटाबेस में। सो व्हाट इज द कमांड टू गो इनसाइड द डेटाबेस, व्हाट इज द कमांड टू गो, व्हाट इज द कमांड टू गो इनसाइड द डेटाबेस। सो दिस इज यूज स्पेस डेटाबेस नेम, यूज स्पेस डेटाबेस नेम। सो यहां पर यूज स्पेस कोचिंग अंडरस्कोर डीबी, सो ये यहां पर मैंने ये लिखा है। सो यूज स्पेस कोचिंग अंडरस्कोर डीबी सेमीकॉलन, इधर ये देख लो, जैसे ही मैं यूज स्पेस कमांड, सो व्हाई द यूज कमांड इज यूज टू गो इनसाइड द डेटाबेस। आपने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस बनाने के बाद आपको डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और अंदर जाने के लिए कौन सी कमांड, यूज। तो जैसे ही मैं ये कमांड करूंगा तो देखना ये यहां पर ये नन लिखा हुआ है ना, इस नन की जगह इस डेटाबेस का नाम आ जाएगा। अगर ये नाम आ जाता है इसका मतलब आप डेटाबेस के कहां पहुंच गए हो, अंदर पहुंच गए हैं। तो देखिए नाम आ गया, नन की जगह क्या लिखा हुआ गया, कोचिंग डीबी आ गया। इसका मतलब एक्चुअल में अभी मैं किस डेटाबेस के अंदर हूं, कहां पर हूं मैं अभी, किस डेटाबेस के अंदर हूं, कोचिंग अंडरस्कोर डीबी। एक बार डेटाबेस के अंदर अगर आप आ गए तो अगला आप काम कर सकते हो क्या, टेबल बनाने का। तो टेबल बनाने के लिए कमांड है क्रिएट टेबल और टेबल नेम, और टेबल नेम क्या है मेरा, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टीबीएल, राउंड ब्रैकेट का स्टार्ट, क्रिएट टेबल टेबल नेम। आपको सिंटेक्स याद करना है, आपको वो कमांड याद नहीं करनी, क्या याद करना है आपको, सिंटेक्स याद करना है। सो क्रिएट टेबल टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, देन इंटर, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप हियर इज द कॉलम नेम। सो कॉलम नेम आपको क्या लेना है, नेम, और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, वेयर केयर। सो आपको इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हुए चलना है। सो यहां पर आप गए और यहां से आपको इस फॉर्मूले से आपको कंपेयर करते हुए चलना है। सो यहां पर हम गए वेयर केयर, यहां पर मैंने क्या लिया 255, है ना। सो ये मेरा पहला कॉलम नेम है, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है एंड देन यहां पर फिर से मैं गया इंटर और यहां पर मुझे लिखना है सरनेम वेयर केयर और अगेन मुझे क्या लिखना है 255 और लास्ट में मैं इंटर करूंगा, राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमीकॉलन लगाऊंगा और इंटर करूंगा। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा नीचे आप देखना क्वेरी ओके लिखा हुआ आ जाएगा, क्वेरी ओके आ गया, इसका मतलब जो भी कमांड मैंने चलाई है वो सक्सेसफुली चली कि नहीं चली, और कमांड जो है वो किसको क्रिएट करने की थी, टेबल को क्रिएट करने। तो भाई जब डाटाबेस देखने के लिए आप शो डेटाबेसेस लिख सकते हो तो टेबल को देखने के लिए शो टेबल्स क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो टेबल्स को देखने के लिए कौन सी कमांड है, शो टेबल्स। तो जैसे ही मैंने शो टेबल्स किया तो आप यहां पर देखिए नीचे यहां पर ये टेबल आ गया, स्टूडेंट टेबल, ठीक है। सो आया समझ में आपको, टेबल क्रिएट हुई, अभी तक मैंने रिकॉर्ड्स नहीं डाले हैं, आई हैव क्रिएटेड द डेटाबेस, आई जस्ट गॉट इन टू द डेटाबेस, मैं डेटाबेस के अंदर गया और मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई। अब मुझे रिकॉर्ड्स डालने हैं तो मैं अगली कमांड से डाल सकता हूँ, और अगली कमांड्स फिर हमारे पास कौन सी होती हैं, हमारे पास ये वाली कमांड्स होगी,
डीएमएल। तो डीएमएल का मतलब क्या होता है? डेटा, हाँ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डीएमएल कौन सी कमांड होती है? डीएमएल वो कमांड होती है जिसके थ्रू आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो मैनिपुलेशन का मतलब हो गया डेटा को क्रिएट करना भी, डेटा को अंदर डालना भी एक्चुअल में क्या होता है? डेटा को मैनिपुलेट करना ही होता है। तो अगली कमांड में आपको इंसर्ट की कमांड बताऊंगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी बनी हुई टेबल में आप क्या कर सकते हो, डेटा डाल सकते हो। तो आपने देखा कि मैंने टेबल को बनाने के लिए, टेबल और डेटाबेस को बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया? क्रिएट कमांड का। तो क्रिएट सीक्वल की वो कमांड है जो किस कैटेगरी के अंडर में आती है? डीडीएल के अंडर में आती है। डीडीएल का मतलब क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक सीक्वल कमांड्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? पांच कैटेगरीज में। डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल, डेटा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डीक्यूएल। इसमें से मैं आपको बता दूं कि ये डीसीएल और टीसीएल जो है ये बहुत कम यूज में आने वाली है आपकी पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल में। आप सबसे ज्यादा काम डीएमएल और डीक्यूएल पर करने वाले हैं। आप आगे चल के सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो पूरा आपको इनमें से कौन सी कैटेगरीज पर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो है डीएमएल और डीक्यूएल। ये डीएमएल और डीक्यूएल मिला के आपकी कितनी कमांड बन रही है? चार कमांड बन रही है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट। ये चार ऑपरेशंस होते हैं किसी भी डेटाबेस पर जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो हमारे लिए सीक्वल की कितनी कैटेगरीज होगी? पांच, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके लिए कौन सी होने वाली है? डीएमएल एंड डीक्यूएल। डीएमएल का फुल फॉर्म क्या हो गया? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके अंडर में कितनी कौन कौन सी कमांड आ रही है? तीन, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। और डीक्यूएल, क्यू का मतलब होता है क्वेरी, क्वेरी करना मतलब सिलेक्ट करना, है ना। तो क्वेरी करने का मतलब ही क्या होता है? सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो भी सिलेक्ट कमांड होगी वो किस कैटेगरी के अंडर में आ रही होगी? वो डीक्यूएल कैटेगरी के अंडर में आ रही होगी, ठीक है। अब कल की क्लास में मैं आपको डीएमएल कमांड बताऊंगा। आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया? आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस। आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया? हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, ये मैंने आपको बताया। दूसरे नंबर पे हाउ टू गेट इनटू द डेटाबेस, है ना, किस प्रकार से डेटाबेस के अंदर जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया। और तीसरा जो मैंने आपको बताया है हाउ टू क्रिएट द टेबल्स, ठीक है, हाउ टू क्रिएट द टेबल। तो इसके लिए कौन सी कमांड थी बताइए? क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम, ठीक है। सो यहां पर डेटाबेस नेम, उसके बाद हाउ टू गेट इनटू द डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर कैसे आप जाते हैं? यूज स्पेस डेटाबेस नेम, वेरी गुड, ठीक है। एंड हाउ टू क्रिएट द टेबल, सो क्रिएट अगेन फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस और क्रिएटिंग टेबल विच कमांड यू यूज इज द क्रिएट कमांड। एंड क्रिएट इज अ कमांड विच कम्स अंडर विच सीक्वल कैटेगरी? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो क्रिएट टेबल एंड देन नेम ऑफ द टेबल, टेबल नेम, टेबल नेम, देन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, एंड देन 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 कॉलम नेम, कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, देन सेकेंड कॉलम नेम, देन 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 डेटा टाइप, देन थर्ड कॉलम नेम एंड सो ऑन, है ना। देन लास्ट वाले में आप क्या करेंगे? पैरेंथेसिस राउंड को क्लोज करेंगे एंड सेव करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे।